तो आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हर्षित मीणा ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम वीडियो लेकर आए हैं श्योपुर में बनने जा रहे नए रेलवे स्टेशन के बारे में। तो ये रेलवे स्टेशन 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और स्टेशन को हेरिटेज लुक दिया जाएगा। इस दौरान तोमर ने कहा कि श्योपुर ग्वालियर ब्रॉडगेज ट्रैक का बहुत ही तेज गति से कार्य चल रहा है। अभी ग्वालियर से सुमावली तक मेमू ट्रेन शुरू हो गई है और मार्च 2024 तक आगे सबलगढ़ तक ट्रेन का संचालन किया जाएगा और उसके बाद में मार्च 2025 तक श्योपुर तक ट्रेन चलाने की योजना है। श्योपुर का रेलवे स्टेशन हेरिटेज लुक में सर्व सुविधा युक्त बनेगा और जिस प्रकार से किले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, उसी प्रकार से इस स्टेशन को देखने भी दूर दूर से लोग आएंगे। 2 साल में ये रेलवे स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि एक जमाने में छोटी लाइन और श्योपुर एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है और इसी क्रम में श्योपुर ग्वालियर रेल लाइन को न केवल मंजूरी मिली बल्कि पर्याप्त बजट प्रदान कर तेजी से कार्य संचालित किया। और उन्होंने कहा कि इसके बाद कोटा से श्योपुर रेल लाइन को भी इससे जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उत्तर मध्य रेलवे महाप्रबंधक सतीश कुमार ने श्योपुर का नवीन रेलवे स्टेशन 150 करोड़ की लागत से निर्मित होगा और इसका जो क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा 1378 वर्ग किलोमीटर। कार्यक्रम के दौरान मध्य रेलवे महाप्रबंधक सतीश कुमार ने श्योपुर का नवीन रेलवे स्टेशन 150 करोड़ की लागत से निर्मित होगा और इसका जो क्षेत्रफल है वो रहेगा 1378 वर्ग किलोमीटर। स्टेशन को आकर्षक और सुसज्जित बनाने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही इसमें सौंदर्यीकरण के लिए फव्वारे और सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। स्टेशन पर माल गोदाम की सुविधा भी रहेगी तथा अप्रोच के लिए सड़क का निर्माण भी होगा। उन्होंने कहा कि श्योपुर के नवीन रेलवे स्टेशन के निर्माण में हेरिटेज लुक दिया जाएगा तथा इसमें श्योपुर के ऐतिहासिक किले की स्थापत्य कला को स्टेशन निर्माण में परिकल्पना में शामिल किया जाएगा। रेलवे का जो भवन है वो 2 मंजिला बनेगा और ग्राउंड फ्लोर 1378 वर्ग किलोमीटर का रहेगा और फर्स्ट फ्लोर 1084 वर्ग किलोमीटर में बनाया जाएगा। इसमें 19182 वर्ग मीटर क्षेत्र का लैंडस्केपिंग करते हुए हरित रखा जाएगा। स्टेशन पर आने के लिए 9 मीटर चौड़ा पहुंच मार्ग बनाया जाएगा। सुंदरता बढ़ाने के लिए स्टेशन पर फव्वारे तथा सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा। वाहनों को रखने के लिए 8325 वर्ग मीटर क्षेत्र में पार्किंग स्थल बनाया जाएगा और 264 फोर व्हीलर, 80 टू व्हीलर और 20 टैक्सी रखी जा सकती है। इस प्रकार से जो पार्क है उसकी चौड़ाई रहेगी। पार्किंग स्पेस को एपओबी से सीधा जोड़ा जाएगा ताकि यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिल सके। 300 × 10 मीटर के चौड़ाई के 2 प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। प्रवेश और निकास द्वार की अलग अलग व्यवस्था रहेगी। माल गोदाम के प्रावधान सहित पृथक रूप से ट्रक आदि के लिए भी पार्किंग व्यवस्था बनाई जाएगी। सिटी प्लानर के अनुसार दूसरी एंट्री और सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, जिसमें दोनों तरफ से वृहद पार्किंग स्थल का प्रावधान रहेगा और दिव्यांगजनों के लिए सुविधा भी विकसित की जाएगी। तो इस प्रकार से ये 150 करोड़ रुपए में रेलवे स्टेशन बनके तैयार होगा और ये मार्च 2025 तक बनके कंप्लीट हो जाएगा और उसी समय ग्वालियर से श्योपुर के बीच में रेल लाइन भी चालू हो जाएगी। उसके बाद में श्योपुर से कोटा के लिए रेल लाइन का जो काम है वो किया जाएगा और बाद में ग्वालियर श्योपुर कोटा तक रेल लाइन को जोड़ा जाएगा।